बिहार में बोधगया को दोबारा दहलाने की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने महाबोधि सोसाइटी के पास से 10-10 किलो के 2 जिंदा बम बरामद किए हैं। बोधगया में इस समय आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का कालचक्र मैदान में प्रवचन चल रहा है। उन्हें महाबोधि मंदिर के पास स्थित तिब्बती बौद्ध मंदिर में ठहराया गया है। विस्फोटक मिलने के बाद दलाई लामा के ठहरने की जगह के आसपास सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। साथ ही पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है। महाबोधि मंदिर समेत बोधगया के कई हिस्सों में 7 जुलाई 2013 को सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। सीरियल धमाकों को इंडियन मुजाहिदीन ने अंजाम दिया था। एक बार फिर से कुछ इसी तरीके की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने, पुलिसकर्मियों ने फिलहाल इस साजिश को नाकाम कर दिया है। 2 बम बरामद किए गए हैं जिन्हें डिफ्यूज कर दिया गया है और इस पूरे इलाके को घेर कर अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गहन तलाशी अभियान इस बात को लेकर कि कहीं कोई और संदिग्ध सामान या फिर कोई विस्फोटक तो नहीं है। तो ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जो संदिग्ध सामान बरामद हुआ है, जो 2 बम डिफ्यूज किए गए हैं, 10-10 किलो के ये बम बताए जा रहे हैं, विस्फोटक जिन्हें अब डिफ्यूज कर दिया गया है, निष्क्रिय कर दिया गया है। बोधगया के महाबोधि मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश नाकाम कर दी गई है। महाबोधि मंदिर के पास 2 जिंदा बम मिले हैं, दोनों ही बम डिफ्यूज कर दिए गए हैं। कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है। दलाई लामा का कार्यक्रम चल रहा है और इस दौरान उनकी सुरक्षा भी अब इस साजिश के बाद बढ़ा दी गई है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो, लिहाजा पूरे इलाके में भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। कोटली में श्रीमान झोला है, उस कोटली में एक लोहा सामान का सामान हम देखे श्रीमान, तब उसके बाद जो झाड़ू दे रहा था उसको हम बुलाए कि बाबू आओ इस सामान को निकालो, तो अपना तो निकाला। हम दोनों आदमी मिलकर अथी किए सर, उसके बाद निकाले तो बहुत वजनदार था सर, तो हम अपना GTMC ऑफिस है वहाँ पर हम लेकर सुपुर्द किए सर। क्या उसमें मिला? उसमें ऐसा लग रहा था कि बम वम होने का। और सर हम लोग तो शंका किए, उसके बाद चेक भी श्रीमान हुआ। हाँ, चेक में बम निकला जी, मशीन में भी डाला गया, स्कैनर में भी डाला गया, तो बम निकला। मेंटली से अथी है सर, वहाँ पर रखा गया तो सब बड़े पदाधिकारी आया, उसके बाद सब चारों तरफ है डॉग बोला अपने बेचारा, सब चेकिंग किया अपना, उसके बाद जहाँ जहाँ बम यहाँ पर भी मिले। और महाबोधि मंदिर में धमाके की बड़ी साजिश जो है वो रची गई थी, नापाक साजिश को अंजाम देने की पूरी कवायद कर ली गई थी। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी महाबोधि मंदिर में और आप देख सकते हैं ये महाबोधि टेंपल है और यहाँ पे कल बम मिली है, तो उसको देखते हुए चप्पे चप्पे पे इसी तरह से पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस बल जो है वो मुस्तैद हैं, आगे कोई ऐसी लापरवाही ना हो, आगे कोई ऐसी काम जो नापाक मंसूबा पाले रखने वाले जो लोग हैं वो अपने मंसूबे में थोड़े भी कामयाब ना हो, और इसी को देखते हुए ये चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो की गई है। इसके अलावा बताते चले कि सिविल में भी पुलिसकर्मियों को लगाया गया है और CCTV कैमरे से भी नज़र रखी जा रही है पूरे मंदिर परिसर में। यहाँ ये भी बताना काफ़ी ज़रूरी होगा कि 2013 का वो वक्त था जब इसी बोधगया मंदिर में आतंकी हमले हुए थे, जो आतंकी धमाके हुए थे और सीरियल ब्लास्ट किया गया था, और उसके बाद से लगातार ये बोधगया मंदिर जो है वो सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया। CISF के जो जवान हैं उनकी यहाँ पर तैनाती कर दी गई, लेकिन उन सब के बावजूद कहा जा सकता है कि तमाम तरह की कवायद की गई सुरक्षा को लेकर के, लेकिन इसके बावजूद कल देर शाम जो है वो यहाँ से मंदिर कैंपस से 2 बड़े केन बम का मिलना कहीं ना कहीं ये इस बात को तस्दीक कर रहा है कि जो सुरक्षा है उसमें कोताही बरती गई, लापरवाही बरती गई। हालांकि अब सजगता जो है वो बरती जा रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर जब इतने बड़े धर्मगुरु जो हैं, जो बुद्धिस्ट के जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा, वो यहाँ मौजूद थे, लाखों के तादाद में जब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो ऐसी लापरवाही क्यों बरती गई? खैर, इसका जवाब जो है अब प्रशासनिक अमले में बैठे जो अधिकारी हैं वो देंगे, किन पे काज गिरती है, किनके तरफ से लापरवाही बरती गई है, ये देखना अहम होगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, बोधगया।